हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, हम फिर हाजिर हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कस्टम वैल्यू जो है वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर्स जो होता है, ग्रीस प्रूफ पेपर्स, ग्लास ड्रेसिंग पेपर्स, ग्लासिन पेपर्स जो होते हैं, इनके ऊपर क्या उनकी कस्टम वैल्यूज़ क्या होती है। तो आज हम ये सब चीज़ें ही डिस्कस करेंगे इस वैल्यूएशन रूलिंग के अंदर। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन केस अगर आप जो वैल्यू इस वैल्यूएशन रूलिंग के अंदर डिक्लेयर की गई है उससे ज़्यादा अगर आप वैल्यू डिक्लेयर करते हो तो उस केस में क्या होगा, कैसे डील करेगा कस्टम आपको। अगर आप कम लिखते हो तो उस केस में आपको क्या कस्टम डील कैसे करेगा, क्या होगा। तो ये सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं वीडियो के एंड में। सो लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो दोस्तों, हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले कि दोस्तों मैं हम इस वीडियो का आगाज़ करें, मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये सिर्फ 9,000 रुपये में आपके बिज़नेस की मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाकर आपको दे सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस की वेबसाइट बनानी हो तो उनको इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। सो दोस्तों, चलते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। वैल्यूएशन रूलिंग डिस्कस करते हैं हम पेपर की। दोस्तों, ये जो पेपर्स हैं जैसे वेजिटेबल्स, ग्रीस प्रूफ, ग्लेस ड्रेसिंग पेपर्स, ग्लासिंग पेपर्स जो हैं, उनके ऊपर वैल्यूएशन रूलिंग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, उनका वैल्यूएशन रूलिंग जो है अभी लेटेस्ट जो आया है हमारे पास, ये रहा लेटेस्ट जो वैल्यूएशन रूलिंग हमारे पास है इनका। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल पार्चमेंट्स। अब दोस्तों, उसका अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखनी है दोस्तों वैल्यूएशन रूलिंग कंफर्म करने के लिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, दूसरा कंट्री ऑफ ओरिजिन, और तीसरी ये है वैल्यू। यही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं जिसकी वजह जिनकी बदौलत आप अपनी वैल्यूएशन कंफर्म कर सकते हो। सबसे पहले जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है आपका वेजिटेबल पार्चमेंट्स, ये है। उसके बाद आप देखोगे ओरिजिन, आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो, चाइना, यूरोप, यूएसए या अदर ओरिजिन, या दूसरी किसी मुल्क से कर रहे हो। अगर आप चाइना से कर रहे हो तो उसकी वैल्यू होगी 2.20 पर केजी है। दोस्तों, मैं यहाँ से कस्टम वैल्यू अब यहाँ से चेक कर लोगे कि ये यूनिट क्या है इसका। अब हम यहाँ से देख सकते हो कि यूएस डॉलर पर केजी लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू दे आप देख रहे हो ये है 2.20 पर केजी है इसकी वैल्यू। इसी तरीके से ग्रीस प्रूफ पेपर जो है चाइना से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसकी वैल्यू है 1.40 पर केजी, इंडोनेशिया से करते हो तो 1.55 पर केजी, यूरोप से करते हो तो 1.70 पर केजी। और अगर इन मुल्क जो मेंशन किए गए हैं ऊपर, चाइना, इंडोनेशिया, यूरोप, इन तीनों से अलावा अगर किसी और मुल्क से करते हो तो ये आ जाएगा अदर ओरिजिन में, तो वो हो जाएगा 1.80 पर केजी। इसी तरीके से ट्रेसिंग पेपर जो है वो चाइना से अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो 1.35 केजी, यूरोप से कर रहे हो तो 1.60 केजी, अगर अदर ओरिजिन से कर रहे हो तो 1.70 पर केजी। इसी तरीके से ग्लेसिंग और अदर ग्लेस ट्रांसपेरेंट और पेपर्स जो है अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो चाइना से तो उसकी वैल्यू है कस्टम वैल्यू 1.10 पर केजी, यूएसए या यूरोप से कर रहे हो तो 1.25 के पर केजी, अदर ओरिजिन से 1.20 पर केजी। तो दोस्तों, ये वो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं सिर्फ पेपर्स वगैरह की। सो दोस्तों, हमने जैसा वीडियो के शुरू में कहा था कि हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर इन केस अगर आप जो वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर की हुई हैं अगर इन वैल्यू से ज़्यादा आप लिखते हो, आप इन वैल्यू से अगर ज़्यादा डिक्लेयर करते हो तो फिर क्या होगा। सो दोस्तों, अगर आप पहले हम ये डिस्कस करते हैं आप इन वैल्यू से जो डिक्लेयर हैं अगर इनसे कम आप लिखते हो तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आप इन जो डिक्लेयर वैल्यू हैं यहाँ पर अगर आप इनसे कम आप लिखते हो
जीडी के अंदर या इनवाइस के अंदर आप लिखते हो, तो जो असेसमेंट ऑफिसर हैं, जो अप्रेजर है, असेसमेंट ऑफिसर जो होता है जिसको अप्रेजर भी कहते हैं, वो जो है वो आपकी ड्यूटी जो है इन वैल्यूज़ के मुताबिक कर देगा, जो ये वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। यहाँ से आप इंपोर्ट करोगे, फर्स्ट आप चाइना से कर रहे हो तो अगर आपने कम लिखा है तो ये वैल्यू यही कर देगा 2.20, तो वही कर देगा। लेकिन इन केस अगर आप वैल्यू ज़्यादा लिखते हो, जो वैल्यू ऊपर मेंशन की हुई है अगर एन से ज़्यादा लिखते हो तो ये वही वैल्यू आपको जाने देंगे, ये कोई कम नहीं करेंगे, ये वही वैल्यू आपको जाने देंगे। इन अब यहाँ पर देख सकते हो, इन केस वेयर डिक्लेयर ट्रांजेक्शन वैल्यूज आर हायर देन द कस्टम वैल्यू डिटरमाइंड इन दिस रूलिंग, द असेसमेंट ऑफिसर शेल अप्लाई दोज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 25 ऑफ कस्टम एक्ट 1969। मतलब वो वैल्यू एज इट इज़ रहने देंगे, इसको नहीं कम करेंगे। अगर आप कम लिखोगे तो उसको बढ़ा देंगे, लेकिन अब ज़्यादा लिखोगे तो उसको कम नहीं करेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।